गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर सिक्स द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि हम पहले भी इस वीडियो को इसके अदर्स वीडियो देख चुके होंगे, कर चुके हैं और देख चुके होंगे आप लोग। आज हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, जो हमारे पास नीचे ये क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है, इससे एक ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको मैंने इससे पहले वीडियो में एक प्रॉपर्टी बताई थी, द सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। ठीक है, जो इन दो किन्हीं भी दो साइड का जो सम आएगा वो जो होगा किसी भी थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे लाइक मैं 2+3 करूं, 2+3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या है, ग्रेटर होना चाहिए था किससे, थर्ड साइड से। तो ये ग्रेटर ना हो के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि क्या बनाए, एक ट्रायंगल बनाए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या दे रखे, इस किन्हीं भी दो साइड का सम जो आएगा वो अधिक आना चाहिए थर्ड साइड से, यानी ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है, 3, 6 एंड 7। तो इसमें देखा, 3 3+6 करें तो ये कितना आ रहा, 7 से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 6+3 यानी 9 ग्रेटर देन है 7। तो ये क्या है, इस कंडीशन से क्या हो सकता, पॉसिबल हो सकता। या 6+7, फर्स्ट कंडीशन 6+7 इज ग्रेटर देन टू 3, 6+7 ग्रेटर देन टू 3, तो यह क्या आ गया, 13 इज ग्रेटर देन टू 3। ठीक है, या कह सकते हैं 3+7 इज ग्रेटर देन टू 6, तो ये क्या आ जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन टू 6। तो इस कंडीशन में देखो, हमने तीनों को चेक कर रहे, तीनों साइड से इसको चेक किया। फर्स्ट कंडीशन ये रखी, जब हमने 3 और 6 को एक ग्रुप बनाया, फिर 6 एंड 7 का बनाया, 3 एंड 7 का बनाया, तो इसमें क्या कर रहा, वो रूल फॉलो कर रहा, तो इसका मान इट मीन्स इस ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बट इस वाले ट्रायंगल को हम क्या नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका अगला पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करें। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज। इसने कहा है कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है और उस पर क्या लेना है, ये ट्राइंगल दिया हुआ उसने बुक में आपके, और उसके अंदर साइड इंटीरियर साइड यानी अंदर साइड ये क्या लेना है, ओ पॉइंट लेना है। और उसके बाद इसने यहाँ पे तीन पार्ट हमें पूछे हुए हैं, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन टू पी क्यू। ओ पी, ओ पी यानी ये किसको मिला रहा है, इसको मिला रहा है ओ पी। ठीक है, ओ पी प्लस ओ क्यू फिर किसको मिला रहा है, यहाँ से मिला रहा है, किसको, इसको इधर मिला रहा है। ठीक है, ओ पी, तो ये आ गया आपका ओ यहाँ पे। तो ओ पी प्लस ओ पी यानी ये वाली लेंथ प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन टू पी क्यू, किससे, इस पी क्यू से ग्रेटर देन है, क्या है, तो ये क्या आएगी यहाँ पे, हाँ आएगी, क्योंकि जो कंडीशन हमें कहती है कि वो क्या कहती है, द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। जो भी क्या होगी, दो साइड्स का सम होगा, किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर दोनों, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, यस। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है ओ क्यू, तो ओ क्यू प्लस ओ आर, प्लस ओ आर, तो इस लाइन को यहाँ पे मिलाते हैं ओ आर को, तो ओ आर लाइन आपकी ये आ गई, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन टू क्यू आर, इज ग्रेटर देन टू क्यू आर, ये क्या आ जाएगी, क्यू आर से ग्रेटर देन। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड, जो दो साइड का सम है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइड, ये जो आपकी थर्ड साइड है इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो इस कंडीशन में भी क्या कर रहा है, इस रूल को क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन टू आर पी, इज ग्रेटर देन टू आर पी, तो ये क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, कि ये इस रोल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इस रोल को क्या कर रहा है, इसको
फॉलो कर रहा है। ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन टू आर पी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर टू को देखा कि ये क्या कर रहा है कि इन तीनों कंडीशन के लिए क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इन तीनों कंडीशन के लिए क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है और अपनी नोटबुक में करना है। नंबर थर्ड है हमारे पास, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक आपको ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है और ए एम के लिए कह रहा है कि ए एम यहाँ पे क्या है, मीडियम। तो ए एम मीडियम है तो बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। बी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीडियम जब भी कहा तो ये क्या क्या अपोजिट वर्टिक से पड़े, यहाँ वर्टिक से पड़ेगा अपोजिट साइड पे, और इसको क्या करेगा ए टू इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बी एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू एम सी। बी एम इक्वल टू एम सी जब भी इसने क्या कहा, जब इसने क्या कहा, जब हमारे पास इसने क्या कहा कि क्या है ए एम, क्या है यहाँ पे मीडियम। ठीक है, उसके बाद उसने कह रहा है इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन टू टू ए एम। क्या ये सही है कि ए बी को, ए बी लाइन सेगमेंट को प्लस बी सी लाइन सेगमेंट को प्लस सी ए लाइन सेगमेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका जो एडिशन आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा जब हम, जब क्या करें टू एम का डबल, टू ए एम का क्या कर दें, डबल कर दें। तो हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम वन बाई वन ट्राइंगल लेके चलते, तो इन ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल सॉल्व लिखेंगे आप यहाँ पे, सॉल्व इन ट्राइंगल कौन से ए एम बी, किसमें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी में देखते हैं और किसको रूल लगाते हैं, द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। ठीक है, तो हम क्या, ए बी, ए बी प्लस बी एम क्या होना चाहिए, ए बी, ए बी प्लस बी एम, बी एम इज ग्रेटर देन टू किससे, ए एम से ग्रेटर देन होना चाहिए, ए एम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट यहाँ से बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी हमारे किससे, इन ट्राइंगल ए एम बी से। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी इससे देखते हैं, तो ए एम सी से देखते हैं कि क्या हो जाएगा, ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी, ए सी, ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन टू ए एम, ये होना चाहिए थ्योरम के अकॉर्डिंग, यही होना चाहिए आपके पास जो प्रॉपर्टी दे रखी, यही होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गए। अब जो हमें क्या बताना है, ए एम प्लस बी सी, तो ए एम, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी हमारा ये है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ए सी बोले या सी ए बोले, तो ये क्या होना चाहिए, टू ए। तो हम क्या करें, एडिंग द इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को अगर ऐड करें तो देखो यहाँ पे मैं इस फिगर को अभी बिठा रहा हूँ तो आपको बाद में बता के दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी इस इक्वेशन के साथ, ए बी प्लस बी एम, बी एम, ठीक है, प्लस कौन सा वाला पार्ट, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन, तो इसी इसी साइड वाला पार्ट ए सी क्या आ जाएगा, ए सी प्लस एम सी, एम सी इज ग्रेटर देन टू क्या, ए एम, ए एम, और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें, इसी क्वेश्चन में भी, इसी क्वेश्चन से भी क्या मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें, ए एम ही मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा, ए एम मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा, ए एम प्लस ए एम प्लस ए, ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। अब ए बी तो आपका ए बी रहेगा, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी, तो बी एम, बी एम प्लस एम सी, एम सी प्लस ए सी, लिख सकता हूँ इसको, इस साइड लिख दिया तो ये आ जाएगा ए एम प्लस ए एम, तो टू क्या आ जाएगा, टू ए एम, क्या आ जाएगा, टू ए एम। और ये हमारे पास ट्रायंगल था इस तरह से, इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल था इस तरह से, ठीक है, यहाँ से मीडियन आ रहा था एम, यहाँ पे मीडियम आ रहा, मीडियन आ रहा था एम, मीडियन आ रहा था, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, और ये हमारे पास क्या, सी था, ठीक है। बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी, तो ये क्या है, बी सी बना रहा है, बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एम प्लस एम सी,
बना रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बी, ए बी प्लस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बोलें या सी ए बोलें तो एक ही बात है, सी ए इज ग्रेटर देन टू टू ए एन, टू ए एन। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई कि हाँ ये क्या है, ऐसा हो सकता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, इसको प्रूव करते हैं कि हाँ ये इक्वेशन क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन बनाते टाइम देखें, ए एम प्लस बी एम प्लस ए एम, तो हमने पहले ट्रायंगल लिया था ए एम बी लिया था, ए एम बी से हमने ये इक्वेशन मिली, नेक्स्ट ट्रायंगल लिया ए एम सी लिया हमने, ए ए एम सी, तो यहाँ लिखा ए सी, ए सी, ए सी प्लस एम सी इज इक्वल इज ग्रेटर देन टू ए एम। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा, तो आप इसको देख लेना, ए एम आएगा, ए बी नहीं आएगा, यहाँ पे ए एम आएगा, ठीक है। तो ए एम इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी ए एम, ठीक है। तो ये ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन टू ए एम इक्वेशन नंबर से, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, और दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाता, ये मिल जाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ होना था, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ से क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसको आप फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन टू टू मल्टीपल बाई ए सी प्लस बी डी। ये ए सी द सम ऑफ दी, या कह सकते हैं द सम ऑफ दी द सम ऑफ दी ऑल साइड, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के जो क्वाड्रिलेटर है उसके ऑल साइड्स का सम इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, उसके जो डायगोनल, द सम ऑफ द डायगोनल्स मल्टीपल बाय टू, या डायगोनल्स के सम के डबल का क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड किया, एक एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा और वही रूल हमने फॉलो करना पड़ेगा, द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड का। तो ये लिख रहे हैं, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में देखेंगे तो ए ओ बी में क्या आ जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ या बोल सकते हैं ओ ए प्लस ओ ए प्लस ओ बी, या ए ओ प्लस ओ बी, ओ बी इज ग्रेटर देन टू किससे, ए बी से। तो ये क्या जाएगा, आप ए बी से ग्रेटर जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गया यहाँ से, फर्स्ट मिल गए। नेक्स्ट बी ओ सी, नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, बी ओ सी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, हाँ बी ओ सी में देखते हैं तो ओ बी या बी ओ, बी ओ प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन टू बी सी, इज ग्रेटर देन टू बी सी, ये हमें सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखते हैं, सी ओ डी, किसे, इन ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी में देखते हैं तो ओ सी या सी ओ, सी ओ प्लस, सी ओ प्लस ओ डी, ओ डी, सी ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन टू डी सी या सी डी, कह सकते हैं डी सी या सी डी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन गया, डी ओ ए, डी ओ ए, इन ट्रायंगल डी ओ ए, डी ओ ए, मतलब डी ओ में देख, डी ओ ए में देखते हैं तो डी ओ, डी ओ प्लस ओ ए, डी ओ प्लस ओ ए, ओ ए इज ग्रेटर देन टू किसका, ए डी बोल सकते हैं या डी ए बोल सकते हैं, ए डी बोल सकते हैं या डी ए बोल सकते हैं, ए डी ए आपका इधर आ गया। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें क्या करते हैं, एडिंग द इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर्थ, तो क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड प्लस फोर्थ, इन इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके इन इक्वेशन को देखते हैं कि अब क्या, हाँ यहाँ पे हमें कितना मिलेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने अभी छोड़ दिया, प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आ जाएगा, बी ओ, बी ओ प्लस ओ सी, ओ सी प्लस थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सी ओ, सी ओ प्लस, सी ओ प्लस ओ डी, सी ओ प्लस ओ डी प्लस
नेक्स्ट है डी ओ प्लस ओ ए, डी ओ डी ओ प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन टू, इज ग्रेटर देन टू किसका, ए बी, ए बी नेक्स्ट इक्वेशन से बी सी, बी सी नेक्स्ट इक्वेशन से आपका सी डी, सी डी एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा डी ए, ये आ गया आपका डी ए, ठीक है। इसको हम देखते ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। अब देखो ए ओ प्लस ओ सी, कहाँ ए ओ है और ओ सी है, ये क्या बना रहा है, ए सी, ए सी बना रहा है, तो हमने क्या लिया ए ओ, ए ओ प्लस ओ सी, इसको साले ओ बी, ओ बी किसके साथ, ओ बी प्लस, ओ बी प्लस ओ डी, तो ओ बी को हमने ओ डी के साथ ले लिया, ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी प्लस ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है, ओ बी हमारे पास, ओ बी हमारे पास आ गया यहाँ से, ओ डी हमारे पास यहाँ से आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, सी ओ, सी ओ, सी ओ या ओ सी, सी ओ, सी ओ यहाँ से आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, सी ओ के साथ और कौन बनाएगा, ओ ए बनाएगा, तो ओ ए हमारे पास क्या आ गया, ओ ए हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, ओ ए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस ओ ए, ओ ए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, बी ओ प्लस सी ओ बच गया, बी ओ प्लस सी ओ तो हमारे यहाँ से आ गया, अब यहाँ पे क्या बचा, बी ओ एंड डी ओ, बी ओ एंड डी ओ, तो डी ओ यहाँ से आ जाएगा प्लस प्लस डी ओ प्लस ओ बी, इस साइड के सारे ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये, तो ये हमारे एग्जिट आ जाएंगे, ए बी प्लस, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए। ये ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि ये क्या, एक डायगोनल है, डी बी ए सी, तो ये डायगोनल है, ठीक है। ए ओ और ओ सी, ए ओ, ए, ए ओ और ओ सी क्या बना रहे, ए सी बना रहे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया ए सी, ठीक है। प्लस ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी क्या बना रहा, बी डी बना रहा है, ओ बी प्लस ओ डी क्या बना रहा, बी डी बना रहा, तो इसको मैंने बी डी लिख दिया, बी डी लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया, इसको इतने को क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया। प्लस सी ओ प्लस ओ ए, सी ओ प्लस ओ ए, तो ये क्या बना रहा, फिर से ए सी बना रहा, तो ये हमने ए सी बना दिया, इसने, इसने क्या बना दिया, ए सी बना दिया, ए सी बना दिया, ठीक है। डी ओ प्लस ओ बी, तो डी ओ प्लस ओ बी, तो ये क्या बना रहा, बी डी बना रहा, तो इसने बी डी बना दी, तो ये आ जाएगा पर बी एंड डी एंड ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब देखो ए सी, ए सी, तो क्या हो जाएगा, टू ए सी, टू ए सी प्लस बी डी, बी डी प्लस टू बी डी, आ गया इतना, टू बी डी इज ग्रेटर देन टू, इज ग्रेटर देन टू किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इतना आ गया। यहाँ से टू को कॉमन ले लें, तो टू को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी, बी डी इज ग्रेटर देन टू ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये इस तरह से हमें, आप देखें इसको, आंसर को मैच करें और ये आंसर आपको इसी तरह से मिल रहा होगा। तो देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन टू, इज ग्रेटर देन टू, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में करें, अच्छे से करें और इसको सॉल्व करते जाएं। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई, तो ये मार्क इस तरह से होगा, तभी ये इसका आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। आपके बुक में भी है, मैं लिखने में इसको हो गए मिस्टेक, अदरवाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है और आंसर भी सेम रहेगा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन, आना रहे था लेस देन बोलना था, लेस देन टू, टू मल्टीपल बाई ए सी प्लस बी डी, ठीक है। और बाकी जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा, जितना आपको पता है सेम, केवल ए लाइन, ए लाइन का केवल इस लाइन में केवल ये सिंबल की मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हुई है, अदर्स जो सॉल्यूशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें, वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को खुद से सॉल्व करें और इनको प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।